and welcome to India's Digital Chef, powered by India Gate Brown Rice Weight Watchers Special and associate sponsor Lipio. Amrita, we have reached the quarterfinals of this competition. Hum dhoond rahe hain India ka pehla digital chef. Par aaj hamare paas ek hi digital chef competition mein ek hi contestant hai, aisa pehli baar hoga kyunki 16 mein se sirf 7 log aage badh paaye hain. Aathwa contestant, aathwa home chef missing hai. So we'll have to take a call today ki hum log kya karne wale hain chef. So mere liye to bahut simple hai. लेकिन थोड़ी तो मिस्ट्री रखे ना, लेट्स कीप सम सरप्राइज एलिमेंट. कूल, सो एक काम करते हैं, पहले जो हमारी आज की क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं उनको बुला लेते हैं. आइए वैशाली, आइए. हेलो, वेलकम बैक. थैंक यू. हाउ डज इट फील टू बी इन द क्वार्टर फाइनल्स? ग्रेट. बट हाउ डज इट फील आज आपके साथ कोई है नहीं? खराब लग रहा है. हाँ, खराब लग रहा है. नहीं, कोई बात नहीं. खराब लगने नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आपको टफ कॉम्पिटिशन मिलने वाला है. क्योंकि ये जो कंटेस्टेंट हैं इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आई थिंक शी लॉस्ट बाय विस्कर. यस इंडीड. मन नहीं कर रहा था उनको कंपटीशन से निकालने का. राइट. तो आपका जो कंपटीशन है, जजेस ने उनको एक सेकंड मौका देने का डिसाइड किया है, तो बुला लिया जाए उनको. बिल्कुल. चलिए वर्षा जी, आपका कॉम्पिटिशन होगा हमारे इस कंटेस्टेंट के साथ जिनको हमने सेकंड मौका देने का सोचा है, और नाम है रश्मि आहूजा. वेलकम बैक रश्मि जी. कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड. एक और एक्साइटेड. यस, बहुत एक्साइटेड लग रहा है. यूजुअली शो पे हम लोग ऑडियंस को बोलते हैं वेलकम बैक, आपको भी वेलकम बैक बोल रहे हैं. थैंक यू. वन डिजिटल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स इंडियाज डिजिटल शेफ. गोल कभी पहले नहीं कभी बनाया ना. वेलकम बैक. पावर्ड बाय इंडिया गेट ब्राउन राइस वेट वाटर स्पेशल एसोसिएट स्पॉन्सर लिव प्योर. शेफ, शुड वी गिव देम अ काउंटडाउन? बिल्कुल. आई थिंक टाइम टू स्टार्ट. यस. तैयार है आप लोग? 3, 2, 1. चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू दोनों को. वर्षा जी, आज आपकी बहन का साथ नहीं है, चाहे आप कंपीट कर रहे थे उनके साथ, बट लेट्स विश यू एज वेल ऑल द बेस्ट. आपको कंपटीशन के रूल्स वापस समझा देते हैं कि अब आप पहुंच चुके हैं इंडियाज डिजिटल शेफ के क्वार्टर फाइनल राउंड में, जहां पे 8 कंटेस्टेंट हैं और 8 में से सिर्फ 4 लोग आगे जाएंगे. ये एक नॉकआउट राउंड है, पर यहाँ पे आपको 20 की जगह मिलेंगे 30 मिनट. ओके. और इस बार आपको बनाना है हेल्दी एक्साइटिंग स्नैक. ओके, इट कैन बी अ स्ट्रीट फूड इंस्पायर्ड स्नैक, कुछ हेल्दी ट्विस्ट के साथ, एंड ऑफ कोर्स लोकल फ्लेवर्स को ध्यान में रखते हुए. तो फास्ट फूड है, हेल्दी है, और अगर लोकल हो तो बहुत ही बेटर है. All right, तो काउंटडाउन शुरू करें. Absolutely. So at the count of 3, 2, 1. Begin. All the best. रश्मि, ये आप बना क्या रहे हैं आज? फास्ट फूड है. मेरा रेसिपी का नाम है पूरा पश्चिम. ओके, दैट मींस इट इज ईस्ट वेस्ट मिल रहे हैं आपस में. इट इज पिंडी चना इन जैकेट पोटैटोस. अरे वाह, वाओ, एब्सोल्युटली विद अ ट्विस्ट. क्या नाइस, इंटरेस्टिंग, साउंड्स गुड. सो नॉट ओनली साउंड गुड, टेस्ट भी करेगा. नाइस. बंस के बदले मैंने टोफू का इस्तेमाल करना सोचा, और वो टिक्की के जगह मैंने किनवा, ओट और प्रॉन्स की टिक्की बनाई. फिर वो फ्रेंच फ्राइज के जगह मैंने रॉ बनाना का फ्राइज बनाया, वो भी मैंने एयर फ्रायर में ये फ्राई किया,
मतलब एकदम आधा टीस्पून ऑयल से वो फ्राइज बन गया। तो आपकी जो पैटी है वर्षा जी, उसको आप किन्नुआ के अलावा और क्या डाल रही हैं? प्रॉन्स डाल रही हूँ मैं। प्रॉन्स डाल, प्रॉन्स और किन्नुआ की टिक्की। और इसमें थोड़ा ओट्स बाइंडिंग के लिए। ओट्स, अरे वाह। जैकेट पटेटोस को मैंने पहले बॉयल किया, उसका तो फिर मैंने अंदर का सूप कर लिया, तो बाकी बचा शेल। तो देखा जाए तो मैंने मतलब कोई ख़राब चीज़ नहीं खाई है, आलू खाए हैं बट ख़राब नहीं बचे, बिकॉज मैंने इसे मेन तो शेल यूज़ किया था ना, बाकी तो अंदर पिंडी चने थे ना, मैंने वो सब डाला। उसके बाद थोड़ा हेल्दी करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा पनीर का डेकोरेशन कर लिया, पनीर का डेकोरेशन किया, फिर मैंने उस पर थोड़ा चेरी टमेटो वगैरह भी लगाया। मेरे को लगा कि मेरी डिश तो बड़ी ब्यूटीफुल है, और मैंने उस टाइम क्या किया, आई बेक्ड इट इन द ओवन। मैंने उसको ओवन में जाके बेक किया, वरना कोई पिंडी चने खाता है क्या बेक किया हुआ? पिंडी चने खुशबू तो ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने आपके फेवरेट आलू फिर आ गए किचन में। हाँ, आलू तो वैसे ही है वैसे। मैं तो एक्चुअली इट विल बी स्लाइस्ड एंड स्कूप आउट होल्ड, सिर्फ आई विल बी यूजिंग द शेल। आई नो, आई एम जस्ट सेइंग, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। वही मुझे एक सेकंड के लिए देख के लगा कि यहाँ तो कुछ बहुत इनोवेटिव हो रहा है। तो टोफू इज वर्किंग एज द बन, तो यहाँ पे आपकी वो जो यू नो लोकल फ्लेवर्स और आपके हाथ में जो स्वाद है जो पिछले बार हमने टेस्ट किया था वो आने चाहिए। बट आई लव द कॉन्सेप्ट। 10 मिनट निकल चुके हैं कंटेस्टेंट्स, होम शेफ, आपके 10 मिनट निकल चुके हैं, सिर्फ 20 मिनट बाकी है इंडिया डिजिटल शेफ के सेमीफाइनल में जाने के लिए। रश्मि जी, यस जी, क्या हाल चाल है? बस फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ। मैं बढ़िया हूँ, काफी बढ़िया है। खड़े मसाले बड़े अच्छे डाले आपने। वो तो पिंडी चना है तो होने चाहिए ना। वो तो आई मस्ट हैव इट ऑल सच थिंग्स। सो शेफ, काफी टेस्टी लग रहा है, पिंडी चना खाया मैंने। बट भटूरे के बदले मैं मेकिंग यू जैकेट पोटैटोज ना, दैट इज द ट्विस्ट आई एम गिविंग यू। वही, और ये हाँ जी बोलिए, जैकेट पोटैटो को भी क्या करेंगे? आई बेक इट ना, ऊपर से पनीर डाल के, पनीर डाल के। अच्छा, पनीर चीज की जगह पनीर? या पनीर, थोड़ा चीज भी डालोगे? थोड़ा सा, थोड़ा सा, जस्ट टू मेल्ट यू नो। ओके, पनीर डालूंगी इसमें, कैप्सिकम वगैरह डालूंगी इसमें, ये डालूंगी सारी। पिंडी चने में खुशबू तो आ रही है। हाँ, टेस्ट आ रही है कि नहीं वो बताओ। टेस्ट आ रही है कि नहीं वो बताओ? बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये टोफू बर्गर बनाने का आइडिया कहाँ से आया? टोफू को बन बनाने का आपने कहीं ऑनलाइन पढ़ा या फिर खुद? खुद का, खुद का आइडिया है। आपको टोफू पसंद है खाना? नहीं है, लेकिन जब सारंश सर मेरे टेबल के सामने और उन्होंने पूछा कि आपको टोफू पसंद है क्या, मुझे पर्सनली टोफू इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने वो इनोवेशन में वो सॉसेस और ये लगा के मैंने पहले भी ये ट्राई करके देखा था, तभी मुझे वो पसंद आया था। तो शेफ, जब मैंने वो टोफू का बन सुना था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा समझ सा नहीं आ रहा था, पर अभी देख के आया हूँ, उन्होंने सेसमी लगाई है, उसको सॉस से कोट किया है, तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि मे बी इट जस्ट वर्क्स। होम शेफ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मुझे बताया गया कि 10 मिनट्स ही बाकी है, तभी काफ़ी मैं थोड़ा नर्वस हो गई, क्योंकि मुझे वो बर्गर असेंबल करना था, सेम टाइम मुझे सैलड बना के वहाँ रखना था, मेरा ड्रिंक भी फ्रिज में था वो मुझे असेंबल करना था। वाह, आपने प्लेटिंग की तैयारी शुरू कर दी है। अब बेक हो रहा है ना, फिर मेरा बाहर निकाल के सुरख देंगे ना। बस अब ये पकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ड्रिंक बना रही हूँ। हाँ, लेमन ग्रास की। वाह, या टेस्ट करेंगे आप? मैं आपको एक्सप्रेशन से समझ जाऊंगी क्या है। ओके, या स्टॉप इट, यू आस्क फॉर इट। बच्चा जी, सब ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया से जीतेंगे? जितना तो है, जीतने के लिए आई हूँ। जीतने के लिए आए हैं। ओके, चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में। और कितने बर्गर बनेंगे? नहीं, हो गया, हो गया। ये टिक्की, ये बर्गर, ये भी हो गई।
खुशबू भी आ रही है, असेंबल कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो आ जाते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट भी करना चाहिए। हाँ ठीक होगा जी, होगा, कोई टेंशन नहीं। मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं दे सकता। पिंडी छोले की काफी खुशबू आ रही है, तो पहले बुला लेते हैं रश्मि जी को, आइए। इसको हाफ में करके यू हैव हाफ, शेफ को दे दो हाफ, मैं पूरा लेऊंगा। करेक्ट शेफ, मे आई हैव योर प्लेट प्लीज। थैंक यू वेरी मच ली, वुड यू लाइक सम? नो आई एम गुड। परफेक्ट, मैं तो इसको पूरे देसी तरीके से खाने वाला हूँ। जैसा रश्मि जी का कॉन्फिडेंस है शेफ, स्किन कुक है बाहर से, अंदर से आलू भी कुक है, पिंडी छोले का जो मसाला है बोल रहा है। रश्मि जी तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, एक आलू, उसमें फिर पिंडी चने और ऊपर उसके आलू इज फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया पका हुआ है, क्रिस्प है, अंदर से स्मूथ है, टेस्ट है सब कुछ उसके अंदर। ऊपर जो आपने उसके पनीर के साथ में कैप्सिकम दिया है, that's working really well. So all in all a fantastic dish, bahut achhi dish hai. Thank you sir, thank you sir. Ek choti si jo kami mujhe lagi ki ha pindi chana hai, ha kyunki aapne isme tel bhi kam rakha hai. Ha bilkul bilkul, ha to uski wajah se jo thoda sa uska moisture hai wo thoda kam ho gaya hai, thoda sa isme pani, thoda sa moist, thoda sa aur ho jate, this would have been fantastic. अभी भी बहुत अच्छा है, that slight moisture. Okay. ये drink आपने बनाई है? हाँ जी. काफी refreshing. मैंने तो आज भी क्या potatoes तो use किए थे, थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही थी, जब मैंने अपने बाजू में देखा तो वर्षा जी तो माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या बना रही थी, वो केले के चिप्स बना रही थी एयर फ्रायर में, और पता नहीं क्या क्या कर रही थी, बोलती है बगर बनाती हूँ, बट बगर भी उसे पता नहीं किनुआ वगैरह ऐड करके क्या क्या बना दिया था उसने, ऊपर से अंदर से प्रॉन्स डाल दिए। ओके चलिए आइए वर्षा जी। दोनों लोगों ने ड्रिंक्स बनाई है साइड में। हाँ वर्षा जी, अगर आप ये बर्गर रेस्टोरेंट में सर्व करें तो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कस्टमर्स को उठा के बर्गर की तरह खाएगा या नाइफ एंड फोक के साथ खाएगा? नाइफ और फोक के साथ बेहतरीन रहेगा वो खाना। तो आपके जो फ्राइज हैं, आई लव द टेक्सचर, दे क्रिस्पी, थोड़ा सा ड्राई है मे बी, आपने उसको थोड़ा बेस्ट किया था एयर फ्रायर में जब आप डाला उसको, पर अच्छा है, मसाला भी अच्छा है, क्रिस्पी, वेरी गुड स्नैक। No, मैं इतना आई लव इट व्हेन पीपल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डू ऑल द टाइम, यू नो, नई नई चीज़ों को ट्राई करना। एंड जब मैंने आपके एक्सपेरिमेंट को देखा, मैंने बोला भी शेफ को कि ये मैं अपने मम्मी का मैजिक में ज़रूर डालूंगी, सो आई लव द वे यू थॉट अबाउट इट, बट यू नो दैट होल फील ऑफ जब मैं आई जस्ट बाइट इनटू इट, I don't know if it's 100% working for me or not. वर्षा जी, जो आपने चीज़ें बनाई, बर्गर के बाहर का पान जो बीन कट से बना, उसके बाद में अंदर की टिक्की और फ्राई,
और आपकी ड्रिंक. पहले ड्रिंक से शुरू करते हैं. अगेन वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस. आई लव योर ड्रिंक. बहुत 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 बढ़िया. बहुत अच्छा फ्रेश फ्लेवर है. लुकिंग गुड, फैंटास्टिक. आपके चिप्स अगेन सेंसेशन, वेरी क्रिस्प करारे. उसके साथ में परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्पाइस. आपकी जो टिक्की है नाइस मॉइस. बाहर जो बीन कर्ड है वो आपका फेवरेट नहीं है. बीन कर्ड की प्रॉब्लम यही है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता. जिनको अच्छा लगता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं अच्छा लगता आपने ऐसा बना दिया कि वो खा सकते हैं इसको. सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड डिश. थैंक यू. तो अगर आप हमें अब 5 मिनट का समय देंगे ताकि हम ये मुश्किल डिसीजन ले पाएं कि सेमीफाइनल में कौन जाने वाला है. तीनों जजेस को मेरे सब आइटम जो मैंने यूज किए थे, बन की जगह टोफू, फिर वो टिक्की, फिर फ्राई, और मैंने वो जो ड्रिंक सर्व किया था, वो चारों चीज़ें बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि आई हैव डन. लक्ष्मी जी बोलिए जी. दूसरा मौका सबको नहीं मिलता. बिल्कुल नहीं. आई एम लकी, ब्लेस्ड. आई एम ब्लेस्ड. और दूसरा मौका अगर दबा दिया जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. फील तो होगा. ऐसा सेकेंड चांस जिंदगी बार बार किसी को नहीं देती है. तो मुझे ऐसे लग रहा था उन्होंने मेरे को कुछ कैपेसिटी देखी होगी, डिजर्विंग देखा होगा, तभी तो मुझे उन्होंने सेकेंड चांस दिया और मुझे उनको लेट डाउन बिल्कुल नहीं करना था. आज कौन जीतेगा और सेमीफाइनल में जाएगा ये अब बताने का टाइम आ चुका है. और अब जब रिजल्ट का टाइम आया तभी मैं बहुत टेंस थी, क्योंकि वो मेरा इनोवेशन मेरे अगेंस्ट जा रहा है या क्या हो, या वो मुझे जितवा देगा. सो आई वॉज इन टू माइंड. तो आज ये जो सपना पूरा होगा उनका नाम है. आपको दूसरा मौका मिला और सपना पूरा और ऐसे मौके दोबारा मिलना और उस मौके पे चौका लगाना. Yes. Congratulations, well done. Thank you. जजेस ने जब रश्मि जी का नाम लिया तभी मुझे कुछ टाइम के लिए बहुत खराब लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी डिश बहुत इनोवेटिव थी, बहुत उसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए थे, तो इसके लिए मुझे थोड़ा लो फील हो गया. ओके, वेल आज तो मौके पर चौका लग गया है, लेकिन इसके बाद है इससे बड़ा कंपटीशन, सेमीफाइनल्स इज वेयर वी आर मूविंग टू. तो देखते रहिए इंडियाज डिजिटल शेफ विद सारांश, संजीव कपूर एंड अमृता राइचंद. वी विल सी यू वेरी सून. Gosh, there has been such overwhelming response to our show, India's Digital Chef. There's some good news for you. What you can do is, you can become India's Digital Home Chef. You want to do that? If you want to become that, what you have to do is make a healthy kids recipe using quinoa. Take a nice picture of it and put it up on Instagram. And don't forget to tag India Gate Foods. You never know. You can be a winner too. Get on it. Hello and welcome to India's Digital Chef, powered by India Gate. Hello and welcome. It's not. I'm funny. बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काम कर रही है. ये एक मिला ना है. It's not. I'm funny. India Gate. What are you saying? I'm always laughing. When the first time you saw her cracking a joke on herself. Yeah, otherwise you two are cracking a joke on me all the time.